वी हैव स्टार्टेड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि व्हाट आर द टर्मिनल्स ऑफ बीजेटी, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस, व्हाट इज द सिंबल फॉर एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, किस तरह से बनाया जाता है सिंबल, हाउ वी कैन शो द डायरेक्शन, राइट, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड व्हाट आर द ऑपरेटिंग रीजंस ऑफ बीजेटी, कब सैचुरेशन है, कब कट ऑफ है, कब एक्टिव है, तो इन सब का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. Now, in this lecture, हम BJT के बारे में बात करने वाले हैं and the three different configuration of BJTs that is called common base, common emitter and common collector. और इन सभी configuration का हम लोग study करेंगे कि basically इस configuration में हो क्या रहा है, what is the concept and the second thing, input and output VI characteristic, जी हाँ, किस तरह से हर एक particular configuration में input and output voltage curve बनाया जाता है. तो चलिए start करते हैं अपना lecture on BJT configurations. So, BJT configuration. अब जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, BJT इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस. तो बेसिकली BJT के अंदर थ्री टर्मिनल होने की वजह से जब हम BJT को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जी हाँ, अब मैं एक सर्किट की बात कर रहा हूँ, विद इन विच देयर इज सम इनपुट एंड यू विल गेट सम आउटपुट. तो मुझे यहाँ पे BJT को कनेक्ट करना है. सो व्हेन द BJT इज कनेक्टेड इनसाइड द सर्किट, सो ड्यू टू दीज टर्मिनल, दीज थ्री टर्मिनल, बेसिकली BJT सर्किट के अंदर तीन कैटेगरी में कनेक्ट हो सकता है. व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज कॉन्फिगरेशन? दीज आर कॉल्ड कॉमन बेस, कॉमन emitter and common collector. Now, वन बाय वन देखेंगे बेसिकली इस कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या है. अगर मैं मतलब की बात करूं तो पहले मैं आपको वर्ड कॉमन का मतलब बता देता हूं. व्हाट इज द कॉमन मींस? तो कॉमन का मतलब होता है सपोज आप BJT यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं एंड द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन व्हाट? बिटवीन बेस एंड एमिटर, राइट. अगर इनपुट आपका बेस और एमिटर के बीच में अप्लाई हो रहा है एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड एमिटर, सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? जी हाँ, दोनों केसेस में एमिटर ऐसा टर्मिनल हो जाएगा जो कि कॉमन होगा इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी. तो दैट वे द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो यहां पे वर्ड कॉमन का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होने वाला है, इसलिए हम उसे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं. और जो टर्मिनल कॉमन होगा उसी के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन का नाम आ जाता है. तो अगर वन बाय वन मैंने डिटेल में आपको दिखाऊं तो सबसे पहली आती है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने यहां पे सर्किट आपको शो किया है. अब सर्किट कैसे बनाए? बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे आपका BJT लगा हुआ है, सो यू कैन सी द सिंबल कि ये कौन सा सिंबल है. जी हाँ, ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का, राइट. क्योंकि हमेशा हमने पढ़ी है डायरेक्शन कहां से कहां होती है, P2N. सो दिस इज द सिंबल फॉर NPN ट्रांजिस्टर. अब इस NPN ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे इनपुट साइड और आउटपुट साइड वोल्टेज पे कनेक्ट कर रहा हूँ. सो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दिस एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज फॉरवर्ड बास. तो अगर ये N टाइप है तो दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इफ इट इज नेगेटिव कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा कैसा होता है? रिवर्स बास. तो ये आपका कनेक्ट होगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट. तो बस यही मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है सर्किट बनाते वक्त कि आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं और उसी सिंबल के अकॉर्डिंग आपने एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड दिखाया है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स दिखाया या नहीं दिखाया. अगर आप सपोज पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, यू आर डूइंग अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, सो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए अगर ये पी हो गया तो पी को मैं कैसे फॉरवर्ड पास करूंगा? जी हाँ, आपकी बार ये पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट होगा. और अगर ये आपका पीएनपी यानी कि कलेक्टर जंक्शन का पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसे मुझे रिवर्स पास करना है, तो ये आपकी बार किससे कनेक्ट होगा? ये आपकी बार कनेक्ट होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल से, राइट. सो जब हम खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां हम दोनों सर्किटरी नहीं बनाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है पीएनपी एनपीएन. तो मैं जनरली यहां पे एनपीएन के कॉन्सेप्ट को याद रखता हूं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर मुझे लेके चलना है और कॉमन बेस का मतलब द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस एंड द आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस. सो द बेस इज कॉमन, राइट. बेस कॉमन आ गया ना, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर आप यहां पे देखो, यहां पे कुछ वोल्टेज के नाम लिखे हुए हैं सफिक्स में, उन्हें कैसे लिखा गया है? अगर हम इस पूरे ट्रांजिस्टर को यहां पे देखें तो यहां पे इनपुट टर्मिनल कौन हो गया? इनपुट इज कॉल्ड दिस एमिटर. तो यहां पे IE इज बेसिकली कॉल्ड इनपुट करंट, राइट. आउटपुट साइड पे कौन है? दिस IC. तो दिस IC इज कॉल्ड कलेक्टर करंट. वहीं पे ये IB है, दिस इज कॉल्ड बेस करंट. तो अब अगर आपको यहां पे एक इनपुट वोल्टेज का नाम लिखना है जो कि एमिटर बेस पे डिपेंड करे कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा कैसा होता है? फॉरवर्ड. तो हमने बैटरी पोलैरिटी तो कनेक्ट कर दी, बट व्हाट इज दिस सिंबल? तो ये जो यहां सबस्क्रिप्ट लिखी है, आप इसे EB लिखिए, आप इसे B लिखिए, कोई मैटर नहीं करता. ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करती है द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर टर्मिनल और एमिटर एंड बेस टर्मिनल. तो आप एक पर्टिकुलर नोटेशन बना लीजिए कि आपने सपोज इनपुट वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे पहले लिखना है, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज EB
ईबी एंड सीबी, राइट। आउटपुट वाला टर्म यहां पे पहले है तो ये हो गया ईबी एंड सीबी, राइट। तो मुझे यहां पे मतलब समझना है और ये भी क्यों समझना है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे, इफ यू आर बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि दिस बीजेटी यूज एज एन एम्पलीफायर। तो जब ये सर्किट पे अप्लाई किया जाता है तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होता है, सो दैट इट विल प्रोवाइड एम्पलीफिकेशन। तो कॉमन बेस का एम्पलीफिकेशन कैसे होता है या कॉमन एमिटर में कैसे होता है, कॉमन कलेक्टर का कैसे होता है, वो सब चीजें बहुत आगे चल के काम में आती है कि इन सब कैसे बीजेटी एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। बट फिलहाल हमें यहां पे केवल समझना है इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ हुई वो मैंने आपको बता दिया, व्हाट डू मीन बाय कॉमन बेस, अब वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब इन कॉन्फ़िगरेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे इस लेक्चर पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जी हाँ, वीआई कर्व पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे बनाए जाते हैं। तो अब अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से बनती है चाहे कॉन्फ़िगरेशन हमारी कोई भी हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहां पे बस जो चेंज करना है वो क्या करना है, दिस इनपुट कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, सो द इनपुट वोल्टेज इज VEB एंड द इनपुट करंट इज IE बिकॉज वी आर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दिस इज द कॉमन बेस, सो बी को आप कर दीजिए कॉमन, ये हो गया आपका इनपुट साइड, दिस इज द एमिटर, और ये हो गया आपका आउटपुट साइड, दिस इज द कलेक्टर। सो विच वन इज द बेस इनपुट वोल्टेज, दैट इज एमिटर बेस। तो यहां पे ईबी आ गया, दैट इज वोल्टेज, विच इज द इनपुट करंट, दैट इज आईई, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है इस केस में, दैट इज सीबी। सो व्हेन सीबी इज कॉन्स्टेंट, तो आप देखेंगे व्हेन द सीबी वैल्यू इज 5 वोल्ट, तो ये कर्व दिखाया गया है, यानी वोल्टेज करंट इस तरह से वैरी कर रहे हैं, राइट। व्हेन द वीसीबी वैल्यू इज 10 वोल्ट, देन वोल्टेज और करंट का रिलेशन इस कर्व से दिखाया गया है, राइट। सो आप इस कर्व को अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, एक्सप्लेन करने के बारे में आ जाता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट, या ड्रॉ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस, तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ऐसे ही बनती है, केवल मुझे क्या चीज बदलनी है, केवल मुझे ध्यान रखना है इन इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में प्लॉट होगा व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, राइट। सेम केस यहां पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट वीआई कर्व प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, राइट। सो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज वीसीबी, अभी हमने पढ़ा, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज वीसीबी। तो वीसीबी वर्सेस व्हाट इज द आउटपुट करंट, दैट इज आईसी, तो वीसीबी वर्सेस आईसी हमारा वैल्यू प्लॉट होगी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट इनपुट करंट। जी हाँ, यहां पे कॉन्स्टेंट आउटपुट करंट होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए कॉन्स्टेंट इनपुट करंट चलता है। So, ये याद रखिएगा, दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, बट बनता किसके बीच में है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में व्हेन द इनपुट करंट इज कांस्टेंट, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या हम कॉन्फ़िगरेशन में करने क्या वाले हैं वो चीज आपको कुछ एक पिक्चर बनी होगी। इसी को आगे देखते हैं, अभी कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर में यही चीज डिस्कस करेंगे, तो आपको भी यही कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लगने वाली है। तो अगर मैं कॉमन एमिटर की बात करूं, नाउ दिस इज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर का मतलब एमिटर इज कॉमन, इनपुट साइड पे आएगा बेस, आउटपुट साइड पे जाएगा कलेक्टर। तो जस्ट ड्रॉ दिस रफ सर्किट और इस सर्किट के बेस पे आप पता कर सकते हो कि इनपुट साइड वोल्टेज क्या होगी या आउटपुट साइड वोल्टेज क्या होगी या इनपुट साइड करंट कौन है आउटपुट साइड करंट कौन है। ये तो हमने यहाँ पे सर्किट सिंबल से रिप्रेजेंट किया, नाउ दिस इज एन पी एन, तो आप देख सकते हो बैटरी किसके अकॉर्डिंग लगाई गई है, दिस एमिटर टर्मिनल इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, तो दिस एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो इनपुट साइड से ही फॉरवर्ड है, आउटपुट साइड से ही फॉरवर्ड है, एमिटर इज कॉमन। वहीं पे कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस, सो दिस एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस बेस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। सो सिंबल कनेक्ट करना सर्किट में बहुत आसान होता है वंस यू नो द कॉन्सेप्ट कि सिंबल क्या है और हमें पता है एमिटर और कलेक्टर को हमें किस तरह से कनेक्ट करना है। So this is the common emitter configuration. When the emitter is common, base is the input side, collector is the output side. अब अगर मैं बोलूं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इनपुट और आउटपुट कर्व बनाना है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इनपुट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ कर्व एंड आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ कर्व, राइट। सो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस के बीच में इनपुट एंड आउटपुट कर्व बन रहा है, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट,
राइट. सो हमने पढ़ा था दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट. सो नाउ व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज. अब आप देखें यहां पे इनपुट वोल्टेज क्या होगी. नाउ दिस इज VBE, दिस इज द इनपुट वोल्टेज. और इनपुट करंट क्या होगा, दिस इज IB, बिकॉज बेस इज द इनपुट साइड. तो VBE वर्सेज IB, सो VBE वर्सेज IB. व्हेन द कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज यानी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज CE वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो जब आउटपुट वोल्टेज आपकी कॉन्स्टेंट है, उस केस में आपने ड्रॉ किया इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ. अब वहीं पे आप आउटपुट कर्व देखेंगे, तो आउटपुट कर्व किसके बीच में बनता है, जी हाँ, आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट करंट. सो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट आउटपुट वोल्टेज इज VCE. एंड व्हाट इज आउटपुट करंट, आउटपुट करंट इज IC. व्हेन इनपुट करंट इज कॉन्स्टेंट, तो व्हाट इज द इनपुट करंट, दैट इज IB. तो यहाँ पे जो आपका IB कॉन्स्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए दिस इज द वैल्यू कि यहाँ पे किस तरह से वैरी कर रहा है, राइट. सो आपके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करने के लिए है, यू कैन इजिली ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक, लाइक इनपुट ड्रॉ करना है, आउटपुट ड्रॉ करना है. और स्पेशली अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तब तो आपको वहां पे ड्रॉ करना ही है. बट उससे पहली चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे विच कैरेक्टरिस्टिक, आप किस कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, कॉमन बेस की, कॉमन एमिटर की, या अभी जो हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर. जी हाँ, एज द नेम डिफाइन, नाउ कॉमन कलेक्टर. सो कलेक्टर इज इन द मिडल, क्योंकि कलेक्टर कॉमन हो गया. सो अब मेरे पास दो टर्मिनल बचते हैं. जैसा कि अब तक मैंने दोनों को बाइफरकेट किया है, तो बेस की प्रायोरिटी हमेशा इनपुट साइड पे होती है, तो बेस इनपुट पे आएगा. कलेक्टर कॉमन हो गया, तो यहां पे कौन बचा है, यहां पे आपकी बार बचा एमीटर. सो विच वन इज द इनपुट साइड वोल्टेज, जी हाँ, इनपुट साइड वोल्टेज हो गया आपकी VBC. विच वन इज द आउटपुट साइड वोल्टेज, दिस इज VCE. तो उसी बेस पे यहां पे आप इसका नामकरण कर सकते हैं. यहां पे मैंने देखिए लिखा नहीं है, दिस इज VBC, दिस इज VBC, दिस इज VCE एंड दिस इज VC. और ये वोल्टेज कैसे कनेक्ट की जाती है सर्किट सिंबल के साथ, एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड. तो अगर ये हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया, दिस इज डायरेक्शन एरो दिस ना, तो दिस इज पी एंड दिस इज एन, तो बेसिकली दिस इज एनपीएन. तो एन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, सो दैट हमारा एमिटर टर्मिनल क्या हो गया, फॉरवर्ड पास. एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो दैट इट बिकम्स अ रिवर्स पास, राइट. तो मेन चीज है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए हमेशा, कि जब भी हम किसी कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे या कॉमन एमिटर की बात करते हैं, सो कौन इनपुट पे जाने वाला है, कौन आउटपुट पे जाने वाला है, व्हाट इज द इनपुट साइड वोल्टेज, व्हाट इज द इनपुट साइड करंट, व्हाट इज द आउटपुट साइड वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट साइड करंट, उसी बेस पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, राइट. अब ये तो इस लेक्चर में हो गई कॉन्फ़िगरेशन की बात, एक जनरल इंट्रोडक्शन, और जो हमने यहां पे मेन चीज देखी है, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट कर्व इन केस ऑफ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन. अब इस पे एक नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मेन बात करेंगे, जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पुट अप होता है, दैट इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर. जी हाँ, मैंने बताया था बीजेटी आपका मोस्टली एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है, और जब एम्पलीफायर के केस में यूज होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है. तो बीजेटी जब सर्किट में अंदर कनेक्ट होगा, सो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में होगा. सो किस कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफिकेशन कितना है, बीजेटी इज अ करंट एम्पलीफिकेशन डिवाइस, करंट एम्पलीफायर, तो कौन सा बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन हमें बेटर रिजल्ट दे रहा है, वो सब चीजें बताता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.